हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोगेटिव फ्रेज के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने व्हेन और व्हाट के बारे में सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम वेयर और व्हाई के बारे में सीखना है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, जैसे आप कहाँ गए थे, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ रहते हो, वो कहाँ रहता है, तो इसी को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहला सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर विल यू गो ऑन संडे, आप संडे कहाँ जाओगे। वेयर डिड यू गो लास्ट संडे, लास्ट संडे आप कहाँ गए थे। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं। वेयर डू यू प्रैक्टिस, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। वेयर डज ही प्ले, वो कहाँ खेलता है। तो इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। वेयर डू यू नॉट स्टडी, आप कहाँ अभ्यास नहीं करते। वेयर डज ही नॉट प्ले, वो कहाँ नहीं खेलता। इसी तरह से आप वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई डू यू कम लेट, आप क्यों लेट आते हो। Why does he go late, वो क्यों लेट जाता है। Why do you practice, आप क्यों प्रैक्टिस करते हैं। Why did you fail, आप क्यों फेल हुए। Why will you go there, आप कहाँ वहाँ क्यों जाओगे। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, अलग अलग टेंस के हेल्पिंग्स लेकर कैन, कुड, शुड, वुड भी बना सकते हैं। Why can you not help him? आप क्यों उसको मदद नहीं कर सकते। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंस आप am, is, are, have, has, do, does, did, was, were, will, इसी का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।